मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर जीके क्लास। बेटा लास्ट जीके क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें अबाउट माय सेल्फ आपने कंप्लीट किया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर टू। द नेम ऑफ द चैप्टर टू इज सी क्रिएचर्स, है ना। जो समुद्री क्रिएचर्स होते हैं, समुद्री जो एनिमल्स होते हैं, जानवर्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है जेलीफिश। जेलीफिश के आपके यहाँ पर फोटो भी दिखाई दी हुई है। जेलीफिश इज अ सी एनिमल बट नॉट अ फिश। ये एक समुद्री जानवर है लेकिन ये फिश नहीं है, ना। इसका नाम जेलीफिश है लेकिन ये कोई फिश नहीं है। इट हैज़ नो हेड, ना ही इसका सिर होता है, ब्रेन, हार्ट, आइज और आइज, ठीक है, ईयर्स। ना ही इसका हेड होता है, ना ब्रेन होता है, दिमाग होता है, ना इसके पास हार्ट होता है, ना इसकी आंखें होती हैं, ना ही इसके कान होते हैं। ये सिर्फ नॉर्मल इस शेप की दिखाई देती हैं और इसका नेम है जेलीफिश। नेक्स्ट है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस हैज़ नो बोन्स इन इट्स बॉडी। इसके शरीर में हड्डियाँ नहीं होती हैं। एंड एन ऑक्टोपस फीट आर अटैच टू इट्स हेड। और इसके जो पैर होते हैं वो इसके सिर से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और इसके 8 लेग्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके डॉल्फिन। ये डॉल्फिन की पिक्चर है। डॉल्फिन इज़ अ हाईली इंटेलिजेंट मरीन मैमल, ठीक है। ये बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान एक समुद्री जानवर है जिसका नेम है डॉल्फिन। नेक्स्ट है सी हॉर्स। सी हॉर्स इज़ एक्चुअली अ फिश। ये एक फिश है बट इसका नेम क्या है, सी हॉर्स है। बट इट डज नॉट हैज़ स्केल्स लाइक मोस्ट फिश, ठीक है। लेकिन इसकी शरीर पर धारियां नहीं होती है दूसरी मछलियों की तरह, ठीक है। ये थोड़ा हॉर्स की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम रखा है सी हॉर्स। नेक्स्ट है आपका लॉबस्टर। लॉबस्टर की फ़ोटो देखो यहाँ पर दिख रही है। द टेल ऑफ अ लॉबस्टर इज़ मेड ऑफ 7 पीसेस। इसकी जो पूंछ है वो 7 भागों में बटी हुई है। 7 पीसेस मतलब 7 भागों से मिलकर बनी हुई है, इंक्लूडिंग द फैन लाइक टिप। और इसकी जो टिप है उसके ऊपर, मतलब इसकी पूंछ के ऊपर साथ में क्या है, फैन है, ठीक है। फैन मतलब जो पंख होते हैं वो है उसकी पूंछ के टिप पर। नाउ नेक्स्ट है शार्क। शार्क डज नॉट हैज़ अ सिंगल बोन इन इट्स बॉडी। शार्क, ये जो फिश होती है, इसकी बॉडी में कोई भी सिंगल बोन मतलब एक भी सिंगल हड्डी नहीं होती है, सारी कंबाइंड बोन्स होती हैं। इसका नेम क्या है, शार्क। नेक्स्ट है सील। सील स्पेंड्स द मेजोरिटी ऑफ इट्स टाइम इन द वाटर सर्चिंग फॉर फूड, ठीक है। ये जो फिश है क्या करती है कि ये सबसे ज़्यादा टाइम अपना पानी में बिताती है भोजन को ढूंढने के लिए। नेक्स्ट है स्टारफिश। स्टारफिश डज नॉट हैड गिल्स, स्केल्स और फिन्स लाइक फिश, ठीक है। ये स्टारफिश है लेकिन इसके पास दूसरी मछलियों की तरह ना ही गिल्स मतलब जो उनके फेफड़े होते हैं, गल्फे होते हैं, वो भी नहीं है। स्केल्स मतलब ना उसके ऊपर धारियां हैं, फिन्स ना ही उसके पास जो पंख लगे होते हैं मछलियों के साइड में, वो भी नहीं है। ये इसका जो शेप होता है वो स्टार की तरह होता है। नेक्स्ट समुद्री जो जानवर है वो है टर्टल। टर्टल तो आप सबने सुना होगा, कछुआ। टर्टल हैज़ अ हार्ड शेल दैट प्रोटेक्ट इट लाइक अ शील्ड। इसका जो शेल होता है ऊपर, इसका ऊपरी भाग होता है वो बहुत ही कड़क होता है, हार्ड होता है, जो उसको दूसरे जानवरों से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और सबसे लास्ट है क्रेप्स। क्रेप्स मतलब होता है केकड़ा। क्रेप्स टिट आर इन इट्स स्टमक। इसके जो दांत होते हैं वो कहाँ होते हैं, इसके पेट में होते। तो बेटा ये कुछ हमने समुद्री जानवर यहाँ पर पढ़े हैं। यहाँ पर आपको एक नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही करना है, इसके लिए आपको कोई नोटबुक नहीं बनाना है। अनस्क्रैम्बल द नेम ऑफ द एनिमल्स डैट लीव बोथ इन लैंड एंड वाटर। यहाँ पर अनस्क्रैम्बल लेटर्स में कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, इसको आपको यहाँ पर स्क्रैम्बल करके लिखना है, जो कि लैंड भी होते हैं मतलब जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट बनेगा क्रोकोडाइल, मगरमच्छ जो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। नेक्स्ट बनेगा टर्टल, TURTLE टर्टल, जो कि ज़मीन पे भी रहता है और पानी में भी। फ्रॉग, ठीक है, ये 3 मैंने आपको बता दिए, 3 आपको खुद से करना है। और अगर नहीं आते तो इस बुक में आपको पीछे आंसर की दी हुई है, तो आप उसकी हेल्प से अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक सब अपना वर्क कंप्लीट करके रखेंगे। थैंक यू।